तो गाइस स्वागत है आपका मेरे को न्यू व्लॉग में, जिसका नाम है दीपक ठाकुर व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ श्री राधा रानी जी के सफेद छतरी में, जो कि हरियाली तीज पर विशेष तौर पर राधा रानी सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए सफेद छतरी में आती है। तो आज के दर्शन काफी विशेष होने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी या राधाष्टमी से पहले बरसाना धाम आना चाहते हो तो आपको वृंदावन के बस स्टैंड से बरसाना के लिए बस नहीं मिलने वाली। आपको बरसाना आने के लिए मायावती चौक पर आना होगा। मायावती चौक से ही आपको बरसाना धाम के लिए बस मिलने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रख। तो गाइस हम आ चुके हैं बरसाना धाम में, श्री राधा रानी जी के महल में, जहाँ श्री राधा रानी जी सभी भक्तों को अपने नीचे आकर सफेद छतरी में दर्शन देने वाली है, जहाँ पर मंदिर में सफेद छतरी को फूलों द्वारा सजाया जा रहा है। राधा रानी जी के मंदिर में हरियाली तीज पर भक्तों की काफी संख्या में भीड़ आती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए मंदिर में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका होती है। यहाँ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की काफी संख्या में भीड़ आ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर रस्सी का प्रयोग भी किया जा रहा है। गाइस आप देख सकते हैं श्री राधा रानी जी के मंदिर में सफेद छतरी को फूलों द्वारा श्री राधा रानी जी के नाम से सुशोभित कर दिया गया है। कहते हैं जब जब श्री राधा रानी जी भक्तों को सफेद छतरी में दर्शन देने आती है, तब तब काले बादल छा जाते हैं, वो बारिश भी होती है, मानो प्रकृति भी श्री राधा रानी जी के दर्शन पाने को उत्साहित हो। आप देख सकते हैं श्री राधा रानी जी को छतरी के नीचे स्वर्ण हिंडोले में राधा रानी जी के पुजारी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सफेद छतरी में नीचे लाते हुए और ऊपर से श्री राधा रानी जी पर भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा करते हुए काफी अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। Thank you.
अभी आपने दर्शन किए श्री राधा रानी जी के हिंडोले के, जिसे पुजारी और राधा रानी जी के सेवा द्वार द्वारा नीचे लाया गया। राधा रानी जी के नीचे आते ही यहाँ श्री राधा रानी के दर्शनों के लिए भक्तों का यहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसे नियंत्रण करना पुलिस प्रशासन के लिए भी काफी मुश्किल भरा रहा। गाइज यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में श्री राधा रानी जी के जितने भी भक्त आए हुए हैं उनके ऊपर से श्री राधा रानी जी के भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा करते हुए। गाइज आप देख सकते हैं आज श्री राधा रानी जी के महल में हरियाली तीज के मौके पर किस प्रकार यहाँ भक्तों का जन सैलाब आया हुआ है। हर भक्त यहाँ पर श्री राधा रानी जी की एक झलक पाने को ललायत है। हर किसी की जुबान पर श्री राधे राधे नाम गूंज रहा है। चारों तरफ यहाँ श्री राधे राधे नाम का जयकारा ही आपको सुनाई देगा। मेरे साथ कीजिए आप श्री राधा रानी जी के सफेद छतरी में अद्भुत दर्शन, जहाँ श्री राधा रानी जी अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती नजर आती है। आप भी मांग सकते हैं अपनी सभी मनोकामनाएं, श्री राधा रानी जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। साल में 3 बार श्री राधा रानी अपने सभी भक्तों को नीचे सफेद छतरी में दर्शन देने आती है, होली, राधाष्टमी और हरियाली तीज। कहते हैं जिसे भी राधा रानी के सफेद छतरी में अद्भुत दर्शन होते हैं उस पर राधा रानी की विशेष कृपा बरसती है। श्री राधा रानी जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब आया हुआ है और आप अब शाम के समय भी देख सकते हैं कितनी संख्या में भक्तों की भीड़ श्री राधा रानी जी के दर्शन करने मंदिर में आई हुई है। आपको दूर दूर तक भक्ति भक्त नजर आएंगे, जिन्हें सिर्फ राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा है और हर भक्त श्री राधा रानी जी के नाम का जयकारा लगाते हुए ही दिखाई देता है। जब आप दर्शन कीजिए एक महान संत के, जो श्री राधा रानी जी के मंदिर बरसाना धाम में एक सेवादार और एक भक्त के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनके दर्शन करना और आशीर्वाद पाना भी एक सौभाग्य की बात है। जब श्री राधा रानी जी को हिंडोले में बिठाकर उनके गर्भगृह में ले जाया जाएगा।
मथुरा के बरसाना में हरियाली तीज की धूम है। राधा रानी मंदिर को विशेष प्रकार के हरे परिधानों से सजाया गया है। शनिवार को राधा रानी मंदिर में आस्था खात बुद्ध नजारा देखने को मिला, जब हरियाली तीज पर वृषभानु नंदिनी राधा रानी अपने प्यारे नंदलाल के साथ ही हरे पोशाक धारण करके स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों पर कृपा बरसाती नजर आई। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया है, जो मंदिर की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। हरियाली तीज पर ब्रह्मांचल पर्वत पर छाई हरी छटा के बीच लाडली जी के मंदिर का मनोरम दृश्य कुछ अलग ही नजर आता है। इस दौरान सेवायतों द्वारा लाडली के दरबार में सतरंगी 56 भोग लगाए गए हैं। चले गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे।